नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर टकरार जारी रहता है और इस टकरार को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी होती रहती है। लेकिन आपको पता होगा कि आजकल एक नई चीज़ें सामने आने लगी है और वो ये है कि पवन सिंह का, जो भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, उनका एक नंबर पर गाना पूरे देश में ताड़ी से ताड़ी ट्रेंड कर रहा है और दूसरे नंबर पर उनका गाना जिंदगी टू ट्रेंड कर रहा है। और जैसे ही ये दो गाना ट्रेंड किया, पवन सिंह लाइव आ गए इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइव आने के बाद चमचे जो हैं वो जबरदस्त तरीके की चमचागिरी करना शुरू कर दिए। जैसा कि आपको पता है कि खेसारी लाल यादव कोई रिकॉर्ड स्थापित करते हैं, खेसारी लाल यादव को लेकर कोई बड़ा इतिहास रचते हैं, तो वो लाइव आकर अपने फैंस को ये जानकारी साझा करते हैं। लेकिन उन पर कटाक्ष किया जाता है, उनको कहा जाता है कि खेसरिया जो है वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है और खेसरिया अपने आप को बड़ा भगवान बताने की कोशिश करता है। लेकिन पवन सिंह कहाँ गए? पवन सिंह के दो गाने आ गए ट्रेंडिंग में, तो लाइव आ गए। लेकिन इनको नहीं पता कि खेसारी लाल यादव नंबर वन पर, जो नथुनिया गाना था, अभी भी ट्रेंड कर रहा है 5वें नंबर पर। ये गाना जो है वो 18 दिन, सोचिए 18 दिन नंबर वन पर ट्रेंड किया था, लेकिन उसको लेकर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। वहीं बात करें तो उनका गाना ले ले आई कोका कोला, अरे इंडिया छोड़िए, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड ग्लोबली जो है ये गाना नंबर वन पर 2 हफ्ते से लगातार ट्रेंड कर रहा है। और उनका जो गाना नथुनिया है, जो नंबर वन पर म्यूजिक सेक्शन में पूरे इंडिया में ट्रेंड किया था, वो गाना टॉप म्यूजिक वीडियो में पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाया हुआ है नंबर वन और नंबर दो पर। तो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जब कोई नहीं रहता है तो इंडिया लेवल पर बात करते हैं, और जब कोई आ जाता है तो पूरे विश्व लेवल पर बात करने लगते हैं। लेकिन लोगों को चमचागिरी करनी है तो करते हैं और तमाम तरीके की बातें करते हैं। हालांकि अपडेट था और भोजपुरी गाने ट्रेंडिंग में जा रही है, आपकी खुशी की बात होना चाहिए और पवन सिंह को भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो बातें उनके अलग अलग लोगों के द्वारा कहे जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं है, और इसको लेकर मैंने सोचा कि आप सभी को ये जानकारी साझा कर दूं। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।